नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो देखते हैं इनका राजनीतिक करियर क्या रहा है, किस पार्टी से इनको क्या मिला है और आगे ये किस चीज़ की उम्मीद करते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। लड़की का नाम डॉक्टर संघमित्र मौर्य जो MBBS हैं, और इनका लड़के का नाम है उत्कृष्ट मौर्य। दोनों लोग इस समय राजनीति में सक्रिय हैं। अब देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक सफर के बारे में। तो स्वामी जी राजनीतिक शुरुआत इनकी होती है 1980 में लोक दल युवा मंच के माध्यम से, जहां पे लगभग इन्होंने 10 वर्षों तक सेवा प्रदान किया है। उसके बाद 1991 में जनता दल के राज्य महासचिव बनाए जाते हैं, जहां पे लगभग 5 सालों तक सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन इनके राजनीतिक सफर की असल शुरुआत शुरू होती है 1996 में, जब ये बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करते हैं। अब बहुजन समाज पार्टी में 1996 से 2016 तक, यानी 20 वर्षों तक लगातार ही बहुजन समाज पार्टी के साथ बने रहे। तो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इनको क्या मिला वो देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य 4 बार विधायक बने और 4 बार मंत्री बने। जब ये चुनाव जीतते थे तभी मंत्री बन जाते थे। उसके साथ साथ ये विपक्ष के नेता रहे। जब इनकी सरकार नहीं रही, किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनी, तो पार्टी ने इनको विपक्ष का नेता बना दिया और स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। ये बहुत बड़ी बात। उसके साथ साथ इनकी बेटी डॉक्टर संघमित्र को बहुजन समाज पार्टी ने मैनपुरी से टिकट दिया था लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के धाकड़ लीडर माननीय मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे, जिनके सामने संघमित्र चुनाव हार गई। वहीं पर इनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य को रायबरेली से बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया था, रायबरेली की ऊंचा हार विधानसभा सीट से टिकट दिया था, जहां से दुर्भाग्य से ये सपा की कैंडिडेट से वहां पे भी चुनाव हार गए। हालांकि वोटों का अंतर बहुत नहीं था, 2582 वोटों से लगभग ये चुनाव हारे थे। अब 2016 में स्वामी प्रसाद जी को लगा कि मायावती के यहां जितना मिलना था उतना हमको मिल चुका है, अब इससे ज्यादा की उम्मीद करना चाहिए। तो इन्होंने बोले कि मायावती टिकट बांटते समय पैसे लेती हैं और इसकी वजह से हम पार्टी में बने नहीं रह सकते। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी इसके बाद बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके 2017 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब भारतीय जनता पार्टी में लगभग 5 साल रहे थे। अच्छा, इसमें एक मजेदार कहानी ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने मौर्य लीडर केशव प्रसाद मौर्य ने विरोध किया था कि स्वामी भारतीय जनता पार्टी में ना आए, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने केशव प्रसाद मौर्य की बात को ना मानते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया। 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य क्या ले पाए उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 में चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए और कैबिनेट मंत्री बन गए। इनको मंत्रालय क्या मिला 2017 में? इनको जो मंत्रालय मिला उसका नाम था श्रम रोजगार कार्यालय, शहरी रोजगार गरीबी उन्मूलन। उसी को 2019 में संशोधित करके बना दिया गया श्रम रोजगार समन्वय मंत्री। 5 साल तक लगातार इस मंत्री पद पर बने रहे। जब चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दिया, चुनाव का आचार संहिता लागू हो गई, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों का, शोषितों का, गरीबों का, उपेक्षितों का, बैकवर्डों का और छोटे उद्योग औद्योगिक लोगों का मान सम्मान नहीं है। ये कहते हुए इन्होंने रिजाइन कर दिया। इनके साथ साथ 5-7-8 विधायक और रिजाइन किए, सारे लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो इनको भारतीय जनता पार्टी में अपने चुनाव लड़ गए, कैबिनेट मंत्री बन गए। इसके बाद इनकी बेटी को
2019 में संघ मित्र को बदायूं से बीजेपी ने टिकट दिया, जहां पे उन्होंने एसपी के धाकड़ लीडर धर्मेंद्र यादव को हरा करके सांसद बने। अपने तो मंत्री बन गए, विधायक बन गए, बेटी बदायूं से सांसद बन गई। इसके बाद बेटे को फिर उसी रायबरेली पूंछा हर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में टिकट दिया था। लेकिन उत्कृष्ट का नसीब है, उत्कृष्ट नहीं है, वो फिर चुनाव हार गए वहां पे। और वहां का जीत हार का अंतर उनके था लगभग 1934 वोटों से। हार तो हार है, 1000 से हारे, 2000 से हारे, उत्कृष्ट फिर से चुनाव हार गए। अब स्वामी प्रसाद भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके फिर से अब समाजवादी पार्टी में आ गए। अब समाजवादी पार्टी से क्या ले पाते हैं, क्या नहीं ले पाते हैं, ये तो समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की इनका एक रीजन ये भी है, जिस तरह से मीडिया में खबर आ रही थी कि ये उत्कृष्ट के लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार फार्मूला बदलते हुए ये कहा है कि ये घर से केवल एक ही टिकट मिलेगा। शायद इससे परेशान होकर के स्वामी प्रसाद बीजेपी छोड़ दिए हैं और आ गए हैं अब समाजवादी पार्टी में। हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं कि ये अपने और अपने समाज के लिए काम करें, लेकिन ये समाज के लिए कभी काम किए नहीं है। अगर देखा जाए तो काम क्यों नहीं किए हैं, ये खाली अपने बेटा को बेटी को सांसद बनाने, विधायक बनाने, मंत्री बनाने में लगे रहते हैं। सामाजिक तौर पे कभी इन्होंने कुछ ऐसा काम किया नहीं जिसको यादगार माना जाए। अच्छा, एक मजे की बात, एक उत्तर प्रदेश में मौर्यों की राजनीति करने वालों की बाढ़सी आ गई। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इसको थोड़ा देखिए समझिए। इस समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में मौर्यों की राजनीति कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि मौर्यों का जनाधार हमारे साथ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात चली रही थी कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर के अभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। तो ये मौर्यों की एक राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में कर रहे हैं। उसके बाद एक बाबू सिंह कुशवाहा हैं जिन्होंने एक पार्टी बनाया जिसका नाम है जन अधिकार पार्टी। हालांकि अगर देखा जाए, मैं एकदम तटस्थ होकर बोल रहा हूं कि समाज के लिए अगर कोई कुछ अच्छा काम किया है तो केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी मौर्यों से बाबू सिंह कुशवाहा ने अपने समाज के लिए अच्छा काम किया है, बेहतर काम किया है। तो इनकी एक जन अधिकार पार्टी है, सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अभी दो दिन पहले ऐसा खबर चल रही थी कि शायद समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन हो जाए। अब वो तो समय बताएगा गठबंधन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जबकि समय भी बहुत कम बचा है। इसके बाद ये केशव देव मौर्य हैं, इनकी महान दल है, अलग पार्टी है, ये इस समय समाजवादी पार्टी के गठबंधन के हिस्सा हैं। अब इनको समाजवादी पार्टी कितना सीट देती है अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन ये गठबंधन में है, कुछ सीटों पे चुनाव जरूर ये लड़ेंगे। तो मौर्यों की राजनीति करने वालों की बाढ़ सी आई गई है। मैं इसलिए बोला कि 5% 7% मौर्य हैं, ठीक, इनके सबके ये मिला दिया जाए तो लगभग इनकी संख्या 10 से 12% है। उनकी राजनीति करने के लिए इस समय 4-4 लीडर पैदा हो गए। अच्छा होता जब चारों लोग मिल करके किसी एक मंच पे आते और एक साथ राजनीति करते, सबको एकजुट करते, सबको राजनीति में सक्रिय करते, तो ये अच्छा होता। तो अभी वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।